हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, ये जो समय है 6 अक्टूबर से लेके आने वाला समय, ये समय में जो ग्रह स्थितियां बनने जा रही हैं, जो ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है, खासकर हम चर्चा कर रहे हैं शनिदेव की। शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन ये जो प्रभाव देने वाला है, तो कहना चाहिए कि तांडव की स्थिति बन रही है, परंतु उस तांडव का प्रभाव अच्छा होगा या बुरा, ये समझेंगे। प्रियदर्शकों, जीवन में कई बार व्यक्ति उन स्थितियों को देख पाता है जिनके लिए वो प्रयासरत होता है, परंतु कई बार निराशा हाथ में लगती है। अब देखा जाए तो कुछ समय पहले ही राहु ने भी अपनी स्थिति में परिवर्तन किया, परंतु अब शनिदेव खुद राहु के नक्षत्र में परिवर्तन करेंगे, यानी कि शतभिजा नक्षत्र में। ये परिवर्तन 3 अक्टूबर को ही हो चुका है, परंतु आपने देखा कि 6 अक्टूबर लिखा हुआ है। शनि राहु ये दोनों ग्रह का जो प्रभाव है वो जाते जाते देखते हैं। हो सकता है ये 3 अक्टूबर को आपने समझा कि परिवर्तन है, परंतु ये अक्टूबर की जगह नवंबर में रिजल्ट आपको दिखे, दिसंबर में ही दिखे, क्योंकि शनि जैसा ग्रह और राहु, इनका दोनों का जो प्रभाव है वो जाते जाते देते हैं ज्यादातर, जो कि प्रभाव शुरू हो जाता है कई बार परिवर्तन से पहले ही, परंतु इतना वो न्यून होता है कि उसका प्रभाव हमें समझ में नहीं आता है। और अभी ये जो परिवर्तन है, तो देखा जाए तो शनिदेव आपके दाम्पत्य भाव में गोचर कर रहे हैं और वक्री भी हैं, और वक्री अवस्था में रहते हुए ही इन्होंने नक्षत्र परिवर्तन किया है, जो कि आपके षष्टम भाव में वक्री की स्थिति का प्रभाव दे रहे हैं, और राहु आपके मारक भाव में है। प्रिय दर्शकों, आइए समझते हैं कि प्रभाव क्या मिलेगा। तो ये जीवन में 27 तारीख तक रहेंगे आपके, यानी कहना चाहिए कि जो पूरा ये साल बचा है, इसका पूरा प्रभाव शनिदेव के आधिपत्य में रहेगा। इस समय आपको मानसिक तनाव की चरम सीमा में आप पहुंच जाएंगे, मानसिक तनाव की स्थिति बहुत बढ़ जाएगी। आप जो काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे जॉब करते हो, प्रोफेशन में हो, वहां पर इसका प्रभाव दिखेगा। डायरेक्ट प्रभाव तो नहीं, परंतु इनडायरेक्ट प्रभाव कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब मानसिक तनाव आपके चरण सीमा में होगा तो व्यक्ति का मन ना तो काम में, ना घर में, ना बाहर कहीं भी नहीं लगता है। और इस समय आप अपने मान सम्मान का ध्यान रखिए, लोगों से बात करने से पहले आपको सोच समझ के ही बात करना चाहिए, क्योंकि समय बात व्याद की स्थिति, जीवन में कलह का माहौल देखने को मिलेगा, शत्रु बाधाएं बढ़ जाएंगी। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, और साथ में आप किसी भी तरह, अब हो सकता है कि किसी को बहुत आवश्यक हो कि ये काम अटका हुआ है, तो उसके लिए कर्ज ऋण की स्थिति बन जाती है कई बार, परंतु आपको ऋण से कर्ज से इस समय दूर बिल्कुल भी रहना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऋण की स्थिति में जाते हैं, ऋण लेते हैं या देते हैं, तो इसमें कुछ न कुछ बाधाएं, यानी कि या तो समझिए कि जैसे आपने ऋण लिया, कर्ज लिया, आपने लोन लिया, तो हो सकता है कि बहुत लंबा समय लग जाए इसको चुकाने के लिए, यानी कि कर्ज चुकाने की स्थिति में कुछ न कुछ समस्याएं, या आपने कर्ज दिया है किसी को तो वो आपको दे ना पाए समय पर, तो इससे समस्याएं जीवन में हो जाती हैं, या हो सकता है दे ही ना पाए, इसलिए कर्ज की स्थिति से दूर रहिए। साथ में आप अपने जीवन में कोर्ट कचहरी के मामले में हैं, तो सावधानी के साथ, और उससे भी बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, दाम्पत्य जीवन में समस्याएं इस समय
बढ़ जाए। आपस में कलह का माहौल बनने की स्थिति व्यापारियों के लिए भी सावधानी रखने की बहुत आवश्यकता है। व्यापारियों को जो जैसा चल रहा है उसको ऐसे ही चलने देना चाहिए और साथ में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो मार्ग है वो सही हो और भ्रमित ना हो इस समय, क्योंकि राहु इस समय राहु का भी प्रभाव होगा क्योंकि राहु के नक्षत्र में ही शनिदेव होंगे। तो यहाँ पर राहु के प्रभाव से व्यक्ति सबसे पहला राहु का काम होता है लोगों को भ्रमित करना और भ्रमित करके फिर उल्टा पुल्टा काम करवाना। उल्टा पुल्टा का मतलब ये है कि जो नहीं करना चाहिए आपको वही काम आप करेंगे और उसका परिणाम है कि समस्याएं होंगी। इसलिए आप जितना हो सके तो जो जैसा चल रहा है उसको उसी तरीके से, क्योंकि समय आपके दिमाग में, समझिए आप व्यापारी हैं तो आपके दिमाग में आइडिया आएंगी, ऐसा कर लो तो और भी बढ़िया हो जाएगा, वैसा कर लो तो और भी बढ़िया हो जाएगा। इस चक्कर में पता चला कि जो बढ़िया चल रहा था उसमें भी गड़बड़ हो गई। इसलिए जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दीजिए, उसको वैसे बैलेंस करके रखिए, बस यही बड़ी बात होगी। यात्रा कर रहे हैं तो सावधान रहिए। हाँ, एक अच्छी बात जरूर है कि जो लोग विदेश यात्रा के लिए तत्पर थे, प्रयासरत थे, उनको मौका भी मिल सकता है, परंतु यात्रा में बहुत ज़्यादा सुखद यात्रा नहीं कही जा सकती, इसलिए बहुत आवश्यक ना हो तो बचना चाहिए। तो ये कुछ स्थितियाँ इस समय बनने वाली हैं और आपने देखा ही इससे पहले जो सीरीज चल रही थी, जो कि वो बहुत कम लोगों तक पहुँची है, परंतु ग्रहण की स्थिति जो थी, अभी ग्रहण सूर्य ग्रहण हुआ तो उसमें हमने चर्चा की थी कि इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव बहुत व्यापक रूप से पूरे विश्व में प्रभावी होगा, दिखाई देगा और आगजनी युद्ध आदि की स्थितियां और लोगों को जीवन में समस्याएं तो आप देख ही पा रहे होंगे न्यूज आदि के चैनलों में कि कैसे युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं और वो बहुत गंभीर हो चुकी हैं। पहले तो समस्याएं थी ही, परंतु अब स्थितियां विश्व व्यापक रूप से युद्ध की स्थितियां बन रही हैं, यानी कि पूरे विश्व में युद्ध जैसी स्थिति बन रही है। हर एक देश अपना अपना रोल निभाता हुआ दिखाई दे रहा है और युद्ध में भी चरम सीमा की जो स्थिति है उसमें अब आगे चल के स्थितियां बन रही हैं। इससे जीवन में लोगों के समस्याएं पूरी तरह से दिखाई दे रही हैं। लोग अब अपने जीवन में, जिस देश में युद्ध अभी नहीं भी हो रहा है, उनके मन में दहशत है, उनके मन में भय है कि सोचिए कि हमारे देश में भी यदि युद्ध की स्थिति बनी, लोग इस बात से चिंतित हैं तो क्या होगा। क्योंकि जहां पर युद्ध की स्थितियां हैं, सोचिए कि जहां रॉकेट दागे जा रहे हैं या युद्ध हो रहा किसी भी तरह, वहाँ कौन कितने समय तक सुरक्षित है कहा नहीं जा सकता। इसीलिए हमारे भारतीय ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में ग्रहण आदि के जो प्रभाव हैं या जो भी स्थितियाँ परिवर्तित होती हैं उनके जो प्रभाव हैं बहुत सटीक होते हैं। अब हाँ, ये जरूर है, जैसे आपने ये राशिफल सुना, ये गोचर के आधार पर, अब जैसे कहा जाए सिंह की हमने चर्चा की, तो सिंह तो क्या दो चार लोग हैं, नहीं कई करोड़ों लोग हैं। तो ये चीज 100% सटीक कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि स्वाभाविक बात है कि भाई एक राशि में बहुत सारे लोग हैं और हरेक जन्म कुंडली की अलग स्थितियां हैं तो प्रभाव भी अलग ही होगा। तो जो चीज इस, जो व्यक्ति इस गहराई को समझता है तो समझता है कि हाँ कुछ बातें ही सही होंगी, कुछ बातें नहीं सही होंगी। तो इसलिए आपको भी ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई महत्वपूर्ण यदि आप निर्णय ले रहे हैं तो पहले अपनी जन्म कुंडली को चेक करिए, फिर आगे बढ़िए। और अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो प्रिय दर्शकों, उपाय के रूप में भगवान भोलेनाथ की आराधना सर्वश्रेष्ठ रहेगी। भोलेनाथ की आराधना करिए, जो भी मंत्र बनता हो वो जपिए। कुछ नहीं मंत्र बनता, ओम नमः शिवाय तो बनता ही होगा, नहीं बनता तो नाम जप करिए। कलयुग में तो बहुत अच्छा है कि नाम जप करने से कल्याण होना है।
और भगवान भोलेनाथ को अभिषेक बहुत प्रिय है, तो अभिषेक कर सकते हैं, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। तो जो सेवा कर सके तो सेवा करिए, उसी से कल्याण होना है। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।